नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन श्रीवास्तव और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल माई लाइब्रेरी 99 पे। दोस्तों, हमारे वीडियो नंबर 9 का पार्ट 3 है। ये इंग्लिश कंटेंट के साथ 13th वीडियो है और टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले कि हम शुरू करें, एक मित्र हैं चेतन जी, उन्होंने कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 90 जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा है। तो क्विकली हम पहले क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे और उसके बाद फिर हम आगे अपनी आज की वीडियो शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 जो है ये है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईयर बुक एंड एलमैक्स। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि ऑप्शन हमारे थोड़े से कन्फ्यूजिंग है। पहला ऑप्शन है, दे आर सिमिलर एंड क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर सेम इन स्कोप एंड यूज, दे हैव फिक्स्ड पीरियडिसिटी एंड आर पब्लिश्ड एवरी ईयर, दे आर इक्वल इन कवरेज ऑल्सो। तो देखिए, इसमें हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मार्क करना पड़ेगा। और हालांकि क्वेश्चन पूछ रहा है डिफरेंस और यहाँ पे मोस्टली सिमिलैरिटीज के बारे में बात हो रही है, तो इसका जो आंसर मार्क करने का सही तरीका होगा वो ये होगा कि आप इसमें जो कम्प्लीटली फॉल्स आपको लगे वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो उसके हिसाब से जो चारों ऑप्शंस हैं, तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो होगा डी, दे आर इक्वल इन कवरेज ऑल्सो। एक्चुअली ईयरबुक का कवरेज और एलमैक्स का कवरेज बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो डी जो है वो कम्प्लीटली फॉल्स है, इसलिए हमने डी मार्क किया था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में कुछ 5-10 क्वेश्चन इस तरह के आते ही आते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। ओके, तो आज का हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट। तो किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट जो है वो एक तरह की न्यूज समरी होती है, ठीक है। तो हम मार्क करेंगे न्यूज समरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैंडबुक। तो हैंडबुक हमारे पास जो ऑप्शंस हैं देख लेते हैं, अ बुक विच इज हैंडी टू यूज, ठीक है, एंड एज हैंडी टू कैरी इट कन्वीनियंटली इन हैंड, ये भी ठीक है, अ स्मॉल बुक और ए ट्रीटीज गिविंग फुल फैक्ट्स, ये भी ठीक है, ऑल द अबव। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इंडिया अ रेफरेंस एनुअल। सो इंडिया अ रेफरेंस एनुअल क्या है, इंडिया अ रेफरेंस एनुअल जो है वो एक ईयर बुक है, सॉरी सी मार्क हो गया, ईयर बुक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट द स्टेटिस्टिकल सोर्सेज आर यूजफुल। तो स्टेटिस्टिकल सोर्सेज जो हैं वो सबसे ज़्यादा किसके लिए यूजफुल होते हैं, कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो वैसे तो उसका यूज़ एग्रीकल्चर में भी होगा, इकोनॉमिक्स में, प्रोडक्शन में, स्टडी के लिए, टीचिंग के लिए, रिसर्च के लिए, एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज को भी स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। बट वो सारी स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो करती क्या है, वो हेल्प करती है डिसीजन लेने में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु पब्लिशेस यूनिवर्सिटी न्यूज लिटरेचर। तो यूनिवर्सिटी न्यूज लिटरेचर जो है वो पब्लिश करता है AIU की फुल फॉर्म है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द सोर्स विच प्रोवाइड्स बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बुक्स। सो बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ मिलेगी, वो हमें मिलेगी बिब्लियोग्राफी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पब्लिशेस पब्लिशर्स वीकली। सो पब्लिशर्स वीकली कौन पब्लिश करता है, पब्लिशर्स वीकली जो है मिस्टर ये RR बुकर पब्लिश करते हैं। कौन पब्लिश करता है, RR बुकर। व्हाट इज़ द एरिया स्कोप ऑफ वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग नाम से पता लग रहा है इसका एरिया स्कोप जो है इंटरनेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेदर डिक्शनरीज एंड एनसाइक्लोपीडियाज हैविंग स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन मे बी कॉल्ड एज स्टैटिस्टिकल सोर्सेज। तो अगर डिक्शनरीज में और एनसाइक्लोपीडियाज में स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है तो क्या उसे स्टैटिस्टिकल सोर्स कहेंगे, तो बिल्कुल कहेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा येस, एज दे हैव स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द पब्लिशर ऑफ बुक्स इन प्रिंट। सो बुक्स इन प्रिंट को कौन पब्लिश करता है, बुक्स इन प्रिंट को बुकर कंपनी पब्लिश करती है। अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल सोर्सेज, विच प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, विच प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, विच प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन, ऑल द अबव। नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा विच प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु पब्लिशेस एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन कौन पब्लिश करता है, इंस्टॉक पब्लिश करता है। अगला सवाल है, स्टैटिस्टिकल सोर्सेज प्रोवाइड अस, स्टैटिस्टिकल सोर्सेज हमें क्या प्रोवाइड करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल सोर्सेज प्रोवाइड अस न्यूमेरिकल डेटा टू आंसर क्वेरीज विद हाउ मेनी और हाउ मच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। सो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है,
एक वो एक डायरेक्टरी है. द आइडिया ऑफ थेसरोफेसिट वॉज डेवलप्ड बाई, सो थेसरोफेसिट का आइडिया जो है वो मिस्टर जीन एचिसन ने डेवलप किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ दी सुटेबल रेफरेंस सोर्स टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वालिटीज ऑफ हैवी वाटर. सो हैवी वाटर की क्वालिटी के लिए इन चारों में से सुटेबल सोर्स क्या होगा, तो वो होगा हैंडबुक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ दी अप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यूज़पेपर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन. तो न्यूज़पेपर और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी के लिए सबसे जो बेस्ट सोर्स होगा वो होगा प्रेस इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु पब्लिशेस वर्ल्ड ऑफ लर्निंग. सो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग कौन पब्लिश करता है, ये पब्लिश किया जाता है यूरोपा पब्लिकेशन के द्वारा. वट इज रीडर्स गाइड टू पीरियडिकल लिटरेचर. रीडर्स गाइड टू पीरियडिकल लिटरेचर क्या है, वो एक इंडेक्सिंग सर्विस है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, साइंस साइटेशन इंडेक्स SCI वो स्टार्टेड बाई. तो साइंस साइटेशन इंडेक्स किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था एग्यून गारफील्ड के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रेड बिब्लियोग्राफी. तो ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या होती है देख लेते हैं. लिस्ट ऑफ ऑथर बिब्लियोग्राफी, लिस्ट ऑफ स्पेशल बिब्लियोग्राफी, लिस्ट ऑफ बुक्स इन प्रिंट और फॉर सेल कंपाइल्ड बाय पब्लिशर. ओके, तो हमारा लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ ट्रेड लाइब्रेरी नो. सो हमारा बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये सी है, लिस्ट ऑफ बुक्स इन प्रिंट और फॉर सेल कंपाइल्ड बाय अ पब्लिशर. ठीक है ना, ये ट्रेड बिब्लियोग्राफी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज आर मेंटेन्ड बाय विच सेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी. सो सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी कौन से सेक्शन द्वारा मेंटेन किया जाता है, वो रेफरेंस के द्वारा मेंटेन किया जाता है. द सिस्टमैटिक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक फील्ड ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड. तो सिस्टमैटिक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक फील्ड ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेशनल बिब्लियोग्राफी. तो नेशनल बिब्लियोग्राफी क्या होती है, लिस्ट ऑफ बुक्स पब्लिश्ड इन अ पर्टिकुलर नेशन. तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये मैच मेकिंग का क्वेश्चन है, यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं. ओके, ऑफिशियल हैंडबुक क्या होता है, मतलब ऑफिशियल हैंडबुक इनमें से कौन सी होगी. तो ऑफिशियल हैंडबुक जो है वो इनमें से स्टाफ का रूल्स और एडवांसेस क्या होंगे, एडवांसेस होंगे करंट ट्रेंड इन ट्रेंड्स इन डेवलपमेंट डिक्रिशन एंड हॉबीज, ये नीड टू फिट एंड हैंडबुक और मैनुअल, ये क्या होते हैं, इस्टेब्लिश नॉलेज होते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोनार्ड गेसनर इज नोन एज फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी. हु यूज द वर्ड बिब्लियोग्राफी फर्स्ट, बिब्लियोग्राफी वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था, तो उसका आंसर है लुइस जेकब दे सेंट चार्ल्स, इन्होंने बिब्लियोग्राफी वर्ड सबसे पहले यूज किया था. अगला सवाल है, द टर्म बिब्लियोग्राफी वॉज डिराइव्ड फ्रॉम. सो टर्म बिब्लियोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज. वॉट इज पर्सनल बिब्लियोग्राफी. तो पर्सनल बिब्लियोग्राफी, टाइटल बिब्लियोग्राफी, ऑथर बिब्लियोग्राफी, ऑथर इंडेक्स, लिस्ट ऑफ वर्क्स बाई एंड ऑन ए पर्सन. सो ऑप्शन डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से मैच मेकिंग वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इसमें है ऑप्शंस दो चार. ओके, सो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है ये मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से, क्योंकि यहाँ लिखा है फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड इन ईयर 1771. ओके, यूरोपा पब्लिकेशन क्या पब्लिश करती है, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग. ओके, जॉन हैरिस का नाम जो है वो जुड़ा हुआ है एनसाइक्लोपीडिया, फर्स्ट एनसाइक्लोपीडिया हैविंग आर्टिकल्स रिटन बाय सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड पॉल आउटलेट इज रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन. ओके, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे, पॉल आउटलेट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है. ओके, एंड एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1771. यूरोपा पब्लिकेशन क्या पब्लिश करती है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग. जॉन हैरिस रिलेटेड है, फर्स्ट एनसाइक्लोपीडिया हैविंग आर्टिकल्स रिटन बाय सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज अ बिब्लियोग्राफी. सो बिब्लियोग्राफी क्या होती है, सो बिब्लियोग्राफी इज ए ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिकल बिब्लियोग्राफी डील्स विद एनालिसिस ऑफ ए सब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरीज आर प्राइमरली कंसर्न विद विच टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफी. लाइब्रेरीज आर प्राइमरली कंसर्न विद सिस्टमैटिक
बिब्लियोग्राफी। ओके, ग्रे लिटरेचर मीन्स, ग्रे लिटरेचर क्या होता है? अनपब्लिश डॉक्यूमेंट्स, जिन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश नहीं किया जाता या नहीं हो पाते, उन्हें हम ग्रे लिटरेचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग एक्सेस ऑफ करंट लिटरेचर ऑफ ए सब्जेक्ट और ए फील्ड? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग एक्सेस ऑफ करंट लिटरेचर और ए सब्जेक्ट और अ फील्ड? सो ये होता है इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियडिकल्स के द्वारा। ओके, एट प्रेजेंट बाई विच सिस्टम बीएनबी डिराइव्स सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्रीज? सो बीएनबी में सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्रीज के लिए कौन सी इंडेक्सिंग सिस्टम यूज होता है, कौन सा इंडेक्सिंग सिस्टम यूज होता है? सो दैट इज प्रिसिस। ओके, अगला सवाल है, द यूनियन कैटलॉग इज ए लिस्ट ऑफ ऑल मटेरियल्स ऑफ ए स्पेशल लाइब्रेरी, ऑल मटेरियल्स ऑफ ए नेशनल लाइब्रेरी, ऑल मटेरियल्स ऑफ ए सब्जेक्ट ऑफ ए लाइब्रेरी, ऑल बुक्स ऑफ मोर देन वन लाइब्रेरी? सो हमारा आंसर हो जाएगा डी, इसी को हम यूनियन कैटलॉग बोलते हैं। गजेटियर ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड बाई? तो गजेटियर ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन। लेकिन हमारा ये गजेटियर ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वॉट इज कॉल्ड द मिक्सड कैटलॉग ऑफ ए लाइब्रेरी? सो दैट इज ए यूनियन कैटलॉग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन INB? तो इसमें INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में देखिए गवर्नमेंट पब्लिकेशन होती है, फर्स्ट इश्यू पीरियडिकल्स होता है, बुक्स होते हैं, मैप्स नहीं होते हैं, तो मैप्स आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पब्लिशर ऑफ INB? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के पब्लिशर कौन है? तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज पब्लिश्ड बाय सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन इज द यूनियन कैटलॉग? इसमें से यूनियन कैटलॉग क्या है? NUCSSI, हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, तो आप वो वीडियोस चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BNB बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो BNB बिलोंग्स टू UK। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, BNB यूजेस विच क्लासिफिकेशन स्कीम? तो BNB में कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम यूज होती है? तो BNB में जो है वो DDC यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर INB वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड? INB जो है वो पहली बार कब पब्लिश हुई? INB जो है पहली बार 1957 में पब्लिश हुआ था। अगला सवाल है, विच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन सोर्स इज यूनियन कैटलॉग? यूनियन कैटलॉग कौन सा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा? दैट इज सेकेंडरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस बुक्स आर कवर्ड इन INB? तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन जो हैं वो अगर आज की डेट के हिसाब से देखें तो सभी गलत हैं, इसका आंसर हो जाएगा 14। ओके, तो ये याद रखिएगा, 14 लैंग्वेजेस की बुक्स को इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में कवर किया जाना है, ठीक है, कवर किया जाता है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ INB? INB जो है वो मंथली पब्लिश होता है। अगला सवाल है, सिंस विच ईयर BNB इज बीइंग पब्लिश्ड? सो BNB जो है वो 1950 से पब्लिश हो रहा है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ BNB? तो BNB की फ्रीक्वेंसी जो है वो वीकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिंस व्हेन द साइंस साइटेशन इंडेक्स इज बीइंग पब्लिश्ड? सो साइंस साइटेशन इंडेक्स कब से पब्लिश हो रहा है? साइंस साइटेशन इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया जा रहा है 1965 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूटिंग ऑफ पीरियडिकल इज ए? ऑप्शंस इसमें कैप्चर नहीं हुए हैं, बट रूटिंग ऑफ पीरियडिकल जो है वो एक तरह का SDI सर्विस है। SDI की फॉर्म क्या होती है? सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने आपके काम का जरूर कुछ ना कुछ वीडियो में आपको मिला होगा, और इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से हो और आप सभी जो है आने वाले एग्ज़ाम्स को क्लियर करें, और आई होप कि मैं आपकी तैयारी में कुछ ऐड ऑन कर पा रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।